खलाड़ा सरपंच प्रकरण में बड़ी खबर। हमारे संवाददाता अरुण कुमार वर्मा की रिपोर्ट। पंचायत समिति कुचामन सिटी के ग्राम पंचायत पलाड़ा से आ रही है बड़ी खबर। आपको बता दें कि जिला परिषद नागौर द्वारा ग्राम पंचायत पलाड़ा सरपंच के विरुद्ध शिकायत मिलने पर विकास अधिकारी पंचायत समिति कुचामन सिटी नागौर के आदेश क्रमांक 7962 दिनांक 1 अप्रैल 2020 के द्वारा जाँच कमेटी का गठन कर प्रकरण की जाँच करवाई गयी थी। जाँच रिपोर्ट में उक्त सरपंच के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाए गए थे। 10 अप्रैल 2020 को विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार द्वारा सरपंच के खिलाफ हुई शिकायत में कार्यवाही करते हुए पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38(4) के तहत सरपंच श्रीमती लीना कंवर सरपंच ग्राम पंचायत पलाड़ा पंचायत समिति कुचामन सिटी जिला नागौर को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया गया था। इस प्रकरण में आज 12 अप्रैल 2020 को जिला कलेक्टर महोदय नागौर की तरफ से उपखंड अधिकारी कुचामन सिटी को सरपंच ग्राम पंचायत पलाड़ा का कार्यभार दिलवाने बाबत आदेश जारी किए गए। नागौर कलेक्टर महोदय ने आदेश जारी करते हुए उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत के निर्वाचित वार्ड पंचों की अविलंब बैठक आयोजित कर तथा वार्ड पंच गण के बहुमत के आधार पर महिला वार्ड पंच को आगामी आदेश तक सरपंच पद का कार्यभार दिलवाकर पालना रिपोर्ट को अवगत करवाने हेतु निर्देशित किया। साथ ही जिला कलेक्टर महोदय नागौर ने वर्तमान में कोरोना महामारी कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन की स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखने हेतु निर्देशित किया व कोरोना प्रोटोकॉल एवं इस संबंध में भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना का ध्यान रखने को कहा गया।